दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। आज कुछ इलाकों में गरज के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान। आज हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश या बर्फबारी के आसार, तो कल हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। अगले दो दिनों में मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में बढ़ सकता है न्यूनतम पारा, सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक ऊपर रह सकता है पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और बर्फबारी, कहां पड़ सकते हैं ओले, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी 2 दिन बारिश या बर्फबारी संभव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। आज हिमाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर बारिश या बर्फबारी का अनुमान। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सुबह छा सकता है हल्का कोहरा। अगले 2 दिनों में मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान बना रह सकता है स्थिर। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें हम तापमान की स्थिति के बारे में। आइए नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की और देखते हैं कि वहां पर अधिकतम तापमान कैसा दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर मापा गया। झारखंड में ज्यादातर जगह तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं अंडमान निकोबार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की और आपने जाना कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में अनेक जगह तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। बिहार में कई जगह तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तेलंगाना में अनेक जगह तो रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान बिहार के डेहरी में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि आज और कल देश के किन किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा बारिश के लिहाज से मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कल अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी दो दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। पंजाब हरियाणा और दिल्ली में कल एक दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में दो दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार झारखंड और उड़ीसा में बारिश का अनुमान नहीं है। गांगेय पश्चिम बंगाल में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय में कुछ जगह बारिश के आसार हैं जबकि नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। दो दिन कोंकण और गोवा में भी बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना रायलसीमा तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि केरल में दो दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है जबकि तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के आसार नहीं है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें भिंडी की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इन दिनों तापमान में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसका असर फसलों पर भी पड़ता है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वो फसलों का विशेष ध्यान दें। इस समय के लिए खास तौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर के किसान इस समय सरसों गेहूं, जौ और मटर के खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां केसर के खेतों को साफ रखें, साथ ही उसमें पानी जमा ना होने दें। जम्मू कश्मीर में ही इस समय पॉली हाउस में अगेती खरीफ सब्जियों जैसे टमाटर बैंगन मिर्च शिमला मिर्च और केले की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पॉली हाउस में ही लौकी खीरा कद्दू और स्क्वैश की बुआई जारी रखें। पॉली हाउस में लगाई गई सब्जियों की निगरानी करते रहें और निरंतर उनमें सिंचाई भी करें। जम्मू कश्मीर में जो किसान खुले खेतों में खरीफ सब्जियों की नर्सरी लगाना चाहते हैं, वे कपड़े का घर बनाकर उनमें सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यहीं आलू की बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की व्यवस्था करें और खेतों की अच्छी तरह से जुताई के अलावा जरूरी उर्वरकों के इस्तेमाल के बाद आलू की रोपाई करें। जम्मू कश्मीर में ही मधुमक्खी कॉलोनियों की निरंतर निगरानी करते रहें। इसके अलावा यहाँ ट्यूलिप और ड्रेफोलिस जैसे फूलों के बागों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें।
वहीं हिमाचल प्रदेश में आम को कीटों से बचाने के लिए उनके तनों के चारों ओर प्लास्टिक शीट लपेटें। अगर कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो किसान केरोसिन तेल का छिड़काव कर सकते हैं। हिमाचल में ही इस समय बागों से खरपतवार साफ करें और सभी बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बादाम, अखरोट और आड़ू के पौधे लगाने के लिए गड्ढा तैयार करें। वहीं हिमाचल के ऊपरी इलाकों में जब तापमान बढ़ जाए तब सेब में कलम बांधने का काम कर लें। बर्फबारी के दौरान सेब के पेड़ों की छटाई ना करें। इसके साथ ही सेब के जिन तनों में रोगों का प्रकोप दिखाई दे उन्हें काट कर नष्ट कर दें। हिमाचल प्रदेश में ही इस समय टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन में निराई गुड़ाई करें। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज की फसल की। भिंडी की बुआई के लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है, लेकिन बुआई का सही तरीका और भिंडी की फसल की पूरी अच्छी तरह से देखरेख करेंगे तभी आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों के खतरे से फसल को कैसे बचाएं। तो आइए नजर डाल लेते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट पर। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। दक्षिण भारत और देश के उन इलाकों में जहां सर्दी कम पड़ती है और पाला नहीं पड़ता वहां भिंडी की खेती साल भर की जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। एक हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले, खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की एक हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें, तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। आइए अब आपको बता दें कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का इस वक्त आप ध्यान रखें। पंजाब के किसान दिसंबर में बोई गई गेहूं में दूसरी सिंचाई करें। पंजाब में गेहूं में इस समय रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। पंजाब में नर्सरी और सब्जियों को ठंड से बचाएं। पंजाब में ये समय प्याज की रोपाई के लिए अनुकूल है। पंजाब में इस समय किसान आलू के खेतों की निगरानी करें, यहाँ रोग लगने की आशंका है। बचाव के लिए किसान प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। पंजाब में सरसों की फसल को कीटों से बचाएं। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ किसान फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तराखंड में सेब, नाशपाती, बेर और अखरोट के पौधों की रोपाई करें। उत्तराखंड में खेत तैयार करें और फ्रेंच बीन की सीधी बुआई करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। खेती और मौसम से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं कि मौसम के अनुसार इस वक्त आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। दिल्ली में सभी फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। किसी भी छिड़काव से पहले किसान विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। दिल्ली में मूंग और उड़द की अच्छी किस्म के बीजों की बुआई करें। मूंग में पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, पीरियम 11 और एसएमएल 32 जैसी किस्मों का चुनाव करें। उड़द में पंत उड़द 30, पंत उड़द 19, पंत उड़द 35 और पीडीयू 1 जैसी किस्में बोएं। दिल्ली के किसान इस समय भिंडी की बुआई करें। भिंडी में HR परभनी क्रांति और अर्का नामिका किस्म लगा सकते हैं। भिंडी की बुआई से पहले खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें। दिल्ली में सब्जियों और सरसों को कीटों और रोगों से बचाएं। ये मौसम फ्रेंच बीन, ग्वारफली और मूली की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी दो दिन बारिश या बर्फबारी संभव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। आज हिमाचल प्रदेश में एक दो जगहों पर बारिश या बर्फबारी का अनुमान। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। दो दिन गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सुबह छा सकता है हल्का कोहरा। अगले दो दिनों में मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान बना रह सकता है स्थिर। और अब चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।